अलैकुम व्यूअर्स, मैं हूँ सरफराज तैमूर एंड आपको वेलकम करता हूँ इन्फॉर्मेशन ऑफ बजीद बाट चैनल पर। और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे अल्लाह के करम से। और आपके जो बर्ड्स हैं, बजीद बर्ड हैं, जेबदा पिंचे हैं, कॉकटेल हैं, लव बर्ड हैं, तो उनकी ब्रीड अच्छे से चल रही होगी। फ्रेंड्स, आज का जो मेरा टॉपिक है ये ऑस्ट्रेलियन बजीज की, ऑस्ट्रेलियन बजीज में पाइड पैरोट की, ऑस्ट्रेलियन पाइड की, यानी कह सकते हैं आप ऑस्ट्रेलियन बजीज पाइड की ज़बरदस्त प्रोग्रेस के हवाले से है। इसने माशाल्लाह से इस बार दो स्प्लिट और दो पाइड निकाले हैं, तो वो मैं दिखाना चाह रहा हूँ आपको। फ्रेंड्स, ये मेरा बड़ा बेहतरीन पेयर है और ये जो बच्चे निकालता है बड़े बेहतरीन। पहले इसने एक स्प्लिट निकाला है इससे पहले वाली ब्रीड पे, बल्कि दो स्प्लेट निकाले हैं। ये देखें, ये दोनों उसी के पट्टे हैं, ये उसकी सेकंड ब्रीड के पट्टे हैं, सेकंड टाइम जब उसने ब्रीड किया था। अब वो थर्ड टाइम ब्रीड कर चुके हैं, तो जो हैं एक उसमें स्प्लेट है, दूसरा मुझे फैलो लग रहा है। अगर उसके आईज जो हैं रेड होती तो वो फैलो हो जाता। ये देखिए फ्रेंड्स, ये सामने बैठा हुआ एक पट्टा, ये वाला, ये भी पाइड का ही बच्चा है, पट्टा है। इसके बराबर वाला भी पट्टा ही है, ये दूसरे पाइड का है। और इसके सामने बैठा हुआ है, ये भी उस पाइड का, जो मैं आपको बता रहा था कि बड़े ज़बरदस्त बेहतरीन ब्रीड का सीन मेरे पाइड का प्लेयर, उसका मेल जो है वो रहा वो पीछे, जो कि दीवार के साथ चिपका हुआ है। उसकी मादी शायद हांडी में है, जी मादी हांडी में है। और अभी भी दो बच्चे इसके अंदर हैं, दो बच्चे इसके अंदर हैं, दो बाहर निकल चुके हैं। जो दो अंदर हैं वो दिखाता हूँ आपको। ये देखें, एक जो है ये सॉरी वाइट स्प्लेट है, तो दूसरा जो है वो क्या कह सकते हैं आप उसे, पाइड ही है, क्योंकि वो दो कलरों का है तो वो पाइड चलाएगा। तो फ्रेंड्स, आज का यही मेरा टॉपिक था और इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक भी बनाता रहूँगा, लेकिन अपनी पाइड की प्रोग्रेस दिखाना आज मेरा मतलब था कि मेरे पाइड ने स्प्लिट निकाले हैं। तो इसी पाइड ने एक रेड आई भी निकाला था, जो रेड आई ने भी अभी ब्रीड की हुई है वो इसी पाइड की है। ऊपर से देखते हैं, ये देखें, ये भी उसी पेयर के फर्स्ट ब्रीड के जो पट्टे थे उसमें से एक ये पाइड निकला। राइट दोस्तों, एंड दूसरे नंबर पर जो मैंने इससे पहले स्प्लिट दिखाए वाइट स्प्लिट, वो निकले थे ये वाले वाइट स्प्लिट और येलो स्प्लिट जो निकले हैं, ये भी उसी पेयर के हैं। तो ये माशाल्लाह से इस पेयर की जो ब्रीड है और प्रोग्रेस है, ब्रीडिंग प्रोग्रेस वो बड़ी अच्छी है। इसने मुझे स्प्लिट भी निकाल के दिए, पाइड के पेयर नहीं और रेड आई भी निकाल के दिए। फ्रेंड, इंशाल्लाह जो ब्लड लाइन पे भी बात करेंगे, लेकिन प्योर पैरेट हो जो कि प्योर एक ही नस्ल के हो तो उनकी ब्लड लाइन बन सकती है। तो आज कॉर्न का दिन है तो इनको कॉर्न भी देता हूँ, वो भी आपको दिखाता हूँ। कॉर्न आप ज़रूर दिया करें अपने बजीज को, क्योंकि बच्चे निकले होते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तो उन्हें खाने में आसानी होती है और पैरट्स को भी फीड कराने में भी आसानी होती है और पलते भी अच्छे से हैं कॉर्न के ऊपर। तो अभी इनको कॉर्न डालते हैं। कॉर्न जो आपने लेना है फ्रेश कॉर्न लेना है। ये देखिए, मैं रात को लाया था फ्रेश कॉर्न, ये अभी मैं इसको छील के इसके पीसेस कर लेता हूँ, फिर दिखाता हूँ आपको।
देखिए फ्रेंड्स ये कितना फ्रेश कॉर्न है, कल ही मैंने इसे ख़रीदा है, तो आज मैं इंशाल्लाह ये डाल रहा हूँ। फ्रेंड आप इसके पीसेस कर लिए मैंने, तो एक एक केज में एक एक डाल देता हूँ दाना। इतना सा जो है इससे भी बल्कि कम मिकदार में दो पेयर के लिए, एक जो पेयर के लिए काफ़ी होता है, लेकिन ये दो दो पेयरों को दे रहा हूँ तो इतना ही ना दे रहा हूँ। तो फर्स्ट में हम डालेंगे बजीज को, तो बजीज थोड़े ज़्यादा हैं तो उनको थोड़ा ये डालेंगे, ये ज़्यादा है। पहुंच गया जी बजीज के केज में, वो देखें बजीज आ भी गए खाने के लिए। अभी सेकंड नंबर पे पाइड को, पाइड आ गए, इस पूरे केज में पाइड हैं, इस केज के पूरे ही खाने में यानी कि पाइड हैं। ये देखें जो पेयर हैं वो भी दोनों पाइड के हैं, और इनके बच्चे जो हैं ऑस्ट्रिच और फैलो वगैरह है। अब नेक्स्ट में भी डाल देता हूँ, और ये अलग से हैं, इनको मैं सेल आउट करना चाहता हूँ। इसमें बजीज भी हैं, पाइड भी हैं, ब्लू बजीज भी हैं, प्योर बजरी और पाइड हैं ये। तो इस संडे अगर मुझे मौका मिला तो मैं बेच के आ जाऊँगा, नहीं तो क्योंकि मुझे टाइम का थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, एक दो काम मुझे और भी हैं, टाइम मिला तो मैं बेच दूँगा, नहीं तो इंशाल्लाह नेक्स्ट संडे इनको भी सेल आउट कर दूँगा। तो अगर आज मैं गया तो फिर आपको बर्ड मार्केट की वीडियो भी मिल जाएगी, अगर मैं नहीं गया तो फिर आपको इसी वीडियो से काम चलाना पड़ेगा। ओके फ्रेंड्स, मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा। और काइंडली अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि मुझे वीडियोज़ वगैरह बनाने में खुशी हो। और आपको कोई टॉपिक जो आपके माइंड में हो कि आप चाहते हैं कि इस पर के ऊपर मैं वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट कर दिया करें, इंशाल्लाह उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा मैं ज़रूर। ओके फ्रेंड्स, अल्लाह निगहबान।